दोस्तों, कोरोना को लेकर पिछले 2 महीने से चीन में और अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान से लेकर इटली तक और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक, और अब तो भारत में भी कोरोना दाखिल हो चुका है। चीन से निकले इस जानलेवा वायरस का जिस तरह अभी तक इलाज नहीं मिला, उसी तरह इस वायरस के रहस्य को भी अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। लिहाजा इस वायरस की तह तक पहुँचना बेहद जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि कोरोना आखिर कब, कैसे और कहाँ से आया। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक 145 से ज्यादा देशों में पहुंच गया है। इसके संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 6,500 को पार हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। भारत में भी कोरोना से संक्रमण के 125 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 103 भारतीय और 22 विदेशी नागरिक है। कोरोना ने अब तक 145 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। पर सवाल ये है कि आखिर ये कोरोना वायरस शरीर के अंदर करता क्या है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपको सब पता चल जाएगा। रेडियोलॉजिकल ऑफ सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने कोरोना पीड़ित मरीजों के फेफड़ों पर रिसर्च किया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए चीन में मारे गए 1,000 लोगों के बॉडी को आधार बनाया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस पीड़ित के फेफड़ों में गाढ़ा बलगम तैयार करता है, जिससे मरीज के फेफड़ों में हवा जाने की जगह कम होने लगती है। उसी कारण पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और उसे घुटन महसूस होती है, जिससे मरीज के फेफड़ों में हवा जाने की जगह कम होने लगती है। उसी कारण पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और उसे घुटन महसूस होती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ने लगते हैं, ये गाढ़ा बलगम और बढ़ने लगता है। ऐसे मामले आने के बाद सीटी स्कैन के जरिए उस मरीज को पहचान कर जल्दी से आइसोलेट करना और आसान हो गया है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस का तोड़ जल्दी से निकाला जा सके। दुनिया भर में जिस तेजी से कोरोना का कहर फैल रहा है, उसने बड़े से बड़े देश को डरा कर रख दिया है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। कुछ मामलों में कोरोना घातक भी हो सकता है, खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट अटैक की बीमारी है। क्या है इससे बचाव के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों को कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो, उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें और जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें।